बच्चों, चलिए आज हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले एक कविता देखते हैं। देखिए, इसका नाम है एक जगत एक लोक, यानी ये जो पूरा पूरी दुनिया है वो पूरा एक ही लोक यानी एक ही संसार है। तो उसके बारे में देखिए, प्रकृति के तत्व तो हम सबके लिए हैं। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। देखिए, इसमें किसी देश तक ही नहीं, हमको देश से बाहर निकल पूरी दुनिया है, वो हमारा एक ही कुटुंब है। हमारे संस्कृत में श्लोक है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी हमारी ये पूरी जो दुनिया है वो एक ही कुटुंब है, यानी एक एक परिवार है। तो हम इंसान हैं, सारे भाई भाई हैं, चाहे वो किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा के क्यों ना हो, लेकिन हम सब एक ही हैं। देखिए, प्रकृति के जो तत्व हैं, कौन कौन से प्रकृति के तत्व हैं? सूर्य, सूरज है, फिर हवा, पानी है ना, प्रकाश, सब कुछ हमारे लिए के एक समान है ना सबके लिए। वो सबको ऐसे देखते हैं कि भाई तुम कौन से देश के हो, तो ही तुम इसके जो है सहायता लेना, या फिर तुम अगर इस देश के हो तो ही मैं तुमको, सूरज जैसे कहते हैं कि मैं तुमको अपना प्रकाश दूंगा, तुम इस धर्म के हो तो ही मैं तुमको प्रकाश दूंगा, ऐसा कहते हैं? नहीं कहते हैं, सब इंसानों के लिए, सबके लिए उनका प्रकाश है। वो ऐसा नहीं कहते कि भाई किसी सीमित लोगों के लिए ही मेरा प्रकाश है, या हवा ऐसे नहीं कहती कि भाई तुम्हारे लिए मैं नहीं हुआ, मैं सिर्फ इन इन जातियों, इन इन बोलियों, इन इन देश, इन इन प्रदेशों के लिए ही मैं हूँ, ऐसे वो कहती है? नहीं कहती है। तो सबके लिए, हमारे प्रकृति के जो भी तत्व हैं, सभी लोगों के लिए एक समान है। तो चलिए अभी देखते हैं कविता को। एक केस में सूरज है वो निकल रहा है, चांद है, तारे हैं, है ना। देखिए, सभी धर्म के चिन्ह हैं, यानी सब धर्म है वो एक है। चलिए कि देखिए, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। देखिए, इस जगत में जो भी है, अमीर है चाहे गरीब है, किसी भी देश का है, किसी भी भाषा का है, और किसी भी धर्म का क्यों ना हो कोई भी, लेकिन सबका एक ही मान या एक समान, सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। देखिए, एक ही है चंद्र, एक ही है वो, सबको समान रूप से प्रकाश देता है। एक ही चंद्र है वो, रात को सबको एक ही समान सबको प्रकाश देता है, और सूरज भी दिन में, सूर्य है वो भी एक समान ही सबको प्रकाश देता है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम ऐसा नहीं है, वो देता है सबको एक ही सा देता है प्रकाश। एक भूमि, भूमि जो धरती है उसके ऊपर हमने सब ये देश और खंड है वो सब बनाए हैं, लेकिन धरती माँ है स्वयं एक ही। और आसमान, देखिए आसमान भी एक ही है, चाहे हम कहीं पर भी उस पर तो हम लकीरें भी नहीं खींच सकते ना कि ये हमारे देश का आसमान है, ये तुम्हारा देश का आसमान है, बोलते हैं नहीं, एक आसमान है वो एक समान है, वो सबके लिए समान है। एक तेज एक हवा एक ही पानी। देखिए, एक ही प्रकाश एक ही सा है, सबके समान, सबके लिए एक सा ही प्रकाश मिलता है। एक हवा, हवा भी सबको एक समान मिलती है ना, हवा भी सबको एक समान मिलती है, और पानी, पानी भी सबको एक ही जैसा स्वाद देता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, नदी में से आप पानी पियोगे, कोई भी भाषा धर्म या देश का कोई भी इंसान जाएगा, उस सबके लिए वो समान ही स्वाद देगा, मीठा, और सबकी प्यास बुझाएगा, है ना। जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक। देखिए, ये जीवन है, सबके लिए सुख दुख लेकर आते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में। तो ऐसे ही पूरी दुनिया पर भी अभी संकट छाया है, जैसे कोरोना का, तो ऐसे ही हमारे जो पूरी दुनिया है उससे लड़ रही है, ये दुख है हमारे लिए, पूरे दुनिया के लिए। तो ये अभी इससे जैसे हम बाहर निकलेंगे तो पूरी दुनिया इस दुख को
पार करके सुख को प्राप्त करेगी, और सभी इसमें से इस मुसीबत से सब बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रहे हैं ना। तो ऐसे ही एक ही सुख दुख के सब सबके जीवन में, अभी तो हम सबके जीवन में एक ही सा सुख और दुख आ गया है। एक देह एक रक्त, देखिए सबके देह हैं, सबके शरीर, वो सभी देश के दुनिया के सबके शरीर है, उसमें एक ही से हैं सब। देखिए ना आपने, आप जैसे पढ़ते हो विज्ञान में कि हमारे शरीर में ये पार्ट होते हैं, तो सभी किसी भी आप देश के कोई भी इंसान उठा लो तो सबके में हड्डियों एक जैसी हड्डियाँ, एक जैसे सभी पार्ट्स होते हैं, है ना। सभी के अंदर की जो भी रचना है, शरीर की रचना, भले बाहर से दिखने में सब अलग हो, लेकिन अंदर की जो शरीर की रचना है वो भगवान ने एक समान सबकी एक ही सी बनाई है ना। चाहे किसी धर्म जाति या फिर किसी भाषा का हो, चाहे किसी प्रांत का हो या किसी देश का हो, सबके सबके शरीर की रचना एक जैसी है ना। एक ही रक्त, देखिए रक्त यानी खून है, वो भी सबका एक समान होता है ना। लाल किसी का हरा, नीला पीला होता है, नहीं होता है। और उसकी जो भी उसकी भी जो रचना है वो भी, ए भले इसके ग्रुप अलग अलग हो, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव जो भी है, लेकिन ये तो हमको सब भी जगह पे, एक ही कुटुंब में भी अलग अलग ग्रुप के लोग मिलते हैं, है ना। तो पूरी दुनिया में भी कुछ ही ग्रुप है, उसके सब जगह पे अलग अलग सब जगह पे खून मिल जाते हैं ना कहीं से भी। और एक अस्थि, सबकी हड्डियाँ भी, हड्डियों की जो रचना है वो भी एक समान है सबकी। और एक प्राण, सबकी में है ना, सबके अंदर एक प्राण है, जो जान है सबके शरीर के अंदर, वो भी एक समान है ना। सभी को एक दिन जाना है, सबकी आत्मा एक दिन निकलनी है, लेकिन जब तक इसके में प्राण है सबके में, तब तक सबकी सबका शरीर चल रहा है ना, सबकी बॉडी। तो ऐसे ही सब में एक समान है सब कुछ, किसी में ज़्यादा कम ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो फिर सबकी अपनी अपनी, जो लोग अपने शरीर से जिस जिससे काम करवाएंगे, जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से सबको अलग अलग सब मिलता है, चाहे जीवन में समृद्धि और पैसे जो भी हैं वो अपनी मेहनत के हिसाब से सबको मिलता है। वो तो जो अपना कमाई कमाई है वो हमको खुद करने, सब हमको गॉड ने सब कुछ दिया है, प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है, फिर अपने अपने बलबूते पर हमें आगे बढ़ना है। हर्ष भरे हम राग सुना सुहाने, देखिए हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, यानी हम खुशी के सब गीत गाएंगे, समता और ममता के गीत तराने। समता, सब में समानता है, सब में सबके सबसे हमें प्रेम से व्यवहार करना है, ऐसे हम गीत और तराने हैं वो हम गाएंगे। घर घर में गूंज रहा निशदिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। देखिए घर घर में गूंज रहा है कि हम सब दुनिया भर में जितने भी लोग हैं वो हम सब एक समान हैं, हम सब एक हैं। तो यही सब रात निश और दिन, यानी रात और दिन यही सुंदर गीत हैं, वो सब जगह पे मीठे गीत हैं, वो बज रहे हैं कि एक जगत और एक लोक, हम सब एक ही समान है और ये हम सबको प्यार से रहना है। राष्ट्रों में एक ये यही कर्म हमारा, देखो सभी देशों में हमारे साथ एकता, एक ही भाव भाईचारे से हमको रहना है, चाहे किसी भी देश का लोग, देश के लोगों, सबके साथ हमें भाईचारे से ही रहना है। तो यही हमारा कर्म होना चाहिए, नहीं हमका हमारा यही काम होना चाहिए, सबके साथ भाईचारे से रहना। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराएं विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। देखिए प्रगति और न्याय, हमें प्रगति करनी है सबके साथ मिलकर, हमें न्याय से सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना है, मानवता से सबके साथ व्यवहार करना है। और हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म यही है कि सबके साथ हम प्रगति, हमको सब साथ में मिलकर प्रगति करेंगे, सबके साथ मानवता से हमें व्यवहार करना है, किसी भी जाति धर्म या भाषा का हो इंसान, लेकिन सबके साथ हमें समानता से पेश आना है, किसी का अपमान नहीं करना है कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारा धर्म ये तुम्हारी जाति ये, ऐसे हमें भेदभावपूर्ण व्यवहार किसी के भी साथ नहीं करने हैं। और हिलमिल के लहराएं, देखिए हम सबके जो राष्ट्रध्वज है हम सबको हिलमिल कर लहराने हैं। और कौन सा राष्ट्रध्वज
कौन सा ध्वज हम लहराएंगे, विश्व शांति का, यानी हम सब एक साथ मिलकर विश्व शांति, यानी हम सब एक हैं, शांति से रहेंगे सब देश एक दूसरे से मिलजुल कर, ऐसे हमको विश्व शांति का जो ध्वज है वो हमें फरकाना है, लहराना है। तो ऐसे ही हम सब एक ही जगत के, एक ही लोक के इंसान हैं, हमको सबको भाई भाईचारे से, प्यार से एक दूसरे के साथ रहना है।